नमस्कार नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नीट पेपर लीक पर बड़ा फैसला सामने आया है। नीट पेपर लीक की अब सीबीआई जांच की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपी है। तो नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे। 5 मई को एनटीए ने नीट यूजी की परीक्षा ली थी। ईओयू जांच में पेपर लीक के सबूत मिले। अब तक बिहार से 24 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने फैसला ले लिया है नीट पेपर की अब सीबीआई की जांच होगी। तो शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे और शिक्षा मंत्रालय ने इस बीच बड़ा फैसला लिया। 5 मई को एनटीए ने नीट यूजी की परीक्षा ली थी। तो देखिए अब तक बिहार से 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार ईओयू की तरफ से एक्शन जारी है। परत दर परत लगातार खुल रहे हैं, लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं, नए जो गुनहगार है, किरदार है, वो इस मामले के सामने आ रहे हैं। और इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो 5 मई को ये एनटीए की नीट परीक्षा हुई थी, ये परीक्षा आयोजित की गई जिसमें ईओयू जांच में पेपर लीक के सबूत मिले, जिसके बाद से बिहार से कई गिरफ्तारियां हुई, झारखंड से गिरफ्तारियां हुई। और अब तक बिहार से अगर बात करें तो 24 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे लगातार पूछताछ भी जारी है। और पूछताछ के आधार पर एक के बाद एक कई राज भी खुल रहे हैं और पता लग रहा है कि किस तरीके से ये पूरी जो कारनामा है वो किया गया और कैसे इसमें मास्टरमाइंड शामिल रहे हैं। तो नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस का एक और खुलासा सामने आया है। ईओयू की जांच में नया खुलासा हुआ है। हजारीबाग के OCS स्कूल से पेपर लीक हुआ। सूत्रों से अहम जानकारी ये मिल पाई है। बता दें कि 6136488 बुकलेट आवंटित हुआ था। बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। बैंक से OSS स्कूल प्रश्न पत्र पहुंचा था। ईओयू की टीम हजारीबाग में अभी मौजूद है। आरोपियों के नार्को ब्रेन मैपिंग की भी तैयारी की जा रही है। तो देखिए एक से बढ़कर एक कई खुलासे लगातार हो रहे हैं और अब जो ईओयू ने जांच की उसमें नया खुलासा यह हुआ है कि हजारीबाग के OCS स्कूल से पेपर लीक हुआ। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, OCS स्कूल का क्या कनेक्शन सामने आ रहा है? देखिए राहुल, सबसे पहले यह स्पष्ट हो गया था कि एनटीए जो 3 बार रिमाइंडर देने के बावजूद यह नहीं बता सका था कि आखिरकार जो पटना में बुकलेट मिला, जो जला हुआ बुकलेट मिला था जिसका नंबर था 6136488, ये आखिरकार कहां से लीक हुआ। तो जब ईओयू की टीम दिल्ली गई, वहां पर मंत्रणा हुई और उसके बाद एनटीए ने 3 बार रिमाइंडर देने के बाद यह बताया कि यह जो पेपर लीक हुआ है यह हजारीबाग से लीक हुआ है। इसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम शनिवार को हजारीबाग पहुंच गई थी। वहां पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से लगातार जांच चल रही थी और जांच के बाद जो बुकलेट मिला है उसके बारे में जो रिपोर्ट भी सौंपी गई है शिक्षा निदेशालय को, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को, उसमें इस बात की चर्चा की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कि OSS स्कूल जो है। संजय, इस मामले में सिंटू की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिंटू के बाद चिंटू को लेकर भी कार्रवाई चल रही है। अपडेट क्या है, डेवलपमेंट क्या हुआ है? देखिए मैं आपको बता दूं कि हजार देवघर से जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें चिंटू उर्फ बलदेव, ये एक ही नाम है, जो संजीव मुखिया जो पूरे पेपर लीक का मास्टर माइंड है उसका ये रिश्तेदार है। 5 मई की सुबह सभी जो अभ्यर्थी थे, 25 से 30 वो खेमनी चक पटना में इकट्ठे हुए थे और जो चिंटू और सिंटू है इसी के मोबाइल पर आंसर शीट आया था। अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग विषय के आंसर शीट दिए गए थे, वहां पर सभी ने रटा और वहीं से सभी को सेंटर भेजा गया था। तो ये नालंदा जिले का रहने वाला है, कराय परसुराय का, और इसकी अहम भूमिका इस पूरे मामले में। और देखना होगा आगे जब इंटोगेशन चल रहा है, इनसे पूछताछ चल रही है, तो कौन सी बात नई बात सामने निकल कर आती है और जॉन संजीव मुखिया जो फिलहाल फरार चल रहा है उसकी गिरफ्तारी कैसे सुनिश्चित कर पाती है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम। जी राहुल, चलिए बिल्कुल संजय आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए एक और जो खबर सामने आ रही है कि नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह हुआ है कि जांच में संजीव मुखिया ही मास्टरमाइंड पाया गया है। संजीव मुखिया ने प्रश्न पत्र पहुंचाया था, सिंटू के फोन पर प्रश्न पत्र भेजा गया था, उत्तर भी भेजे गए थे, अभ्यर्थियों को रटने का को कहा गया था पटना के खेमनी चक में और इनको उत्तर रटवाया गया था। हमारे साथ संजय लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, संजीव मुखिया जो मुख्य किरदार मास्टरमाइंड सामने आ रहा है और जिसने किस तरीके से प्रश्न पत्र पहुंचाया, अभ्यर्थियों को ये उत्तर रटवाए गए, संजीव मुखिया के बारे में अभी क्या डेवलपमेंट है, क्या अपडेट है?
देखिए संजीव मुखिया लगातार फरार चल रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम उसी को खोजना चाह रही है, उसी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना चाह रही है। दरअसल जो सिकंदर कुमार यादेंदु बिहार सरकार का जूनियर इंजीनियर, उसी ने पटना पुलिस को बताया था कि उसके पास जो क्वेश्चन पेपर आया है नीट का, वो संजीव मुखिया के माध्यम से आया है। यही कारण है कि संजीव मुखिया को नामजद अभियुक्त बनाया गया। फिलहाल वो फरार चल रहा है, नगर नौसा का रहने वाला है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव कार्रवाई कर रही है। हालांकि संजीव मुखिया खुद को बचाने के लिए इंट्रीम बेल भी फाइल किया है उसने और 25 जून को उस पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा उसने पटना के SSP को अधिवक्ता के माध्यम से खुद को फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव, जो खुद MBBS है पटना PMCS से, वो भी पेपर लीक कांड का आरोपी और शिक्षक भर्ती पहली परीक्षा जो BPSC द्वारा ली गई थी उसमें उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये नेक्सस है, बाप बेटे का भी नेक्सस है और उसकी गिरफ्तारी होने के बाद सारी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। राहुल संजय, लेटेस्ट जो डेटा है गिरफ्तारी का, वो कितनी गिरफ्तारी अब तक हो गई है? देखिए इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की कार्रवाई की बात कर लें और पटना पुलिस की बात कर लें ज्वाइंटली, तो 13 लोगों को पटना पुलिस ने मई महीने में, यहाँ से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले गिरफ्तार कर दिया था। 6 लोगों की गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई है, तो जो गिरफ्तारी की संख्या है वो 19 तक पहुंच गई है। और अभी ये जो 6 लोग हैं इनको आज संभवतः जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। इनसे रात भर इंट्रोगेशन हुआ, कई चीजों पर पूछताछ की गई है। इसमें सबसे अहम जो गिरफ्तारी है वो चिंटू बलदेव की है, जो बहुत कुछ बता सकता है संजीव मुखिया के बारे में। राहुल चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है, NTA के महानिदेशक हटा दिए गए हैं। सरकार ने DG सुबोध कुमार को हटा दिया है, प्रदीप सिंह खरोला को अब प्रभार दिया गया है। NTA के महानिदेशक का प्रभार इन्हें सौंपा गया है। पूर्व केंद्रीय सचिव प्रदीप सिंह खरोला हैं। पेपर लीक मामले में यह कार्रवाई हुई है। तो NTA ने नीट और UGC नेट की परीक्षा कराई थी और अब खबर यह सामने आ रही है कि NTA के महानिदेशक हटा दिए गए हैं। सरकार ने DG सुबोध कुमार को हटा दिया है और उनकी जगह पर अब प्रदीप सिंह खरोला को प्रभार दिया गया है। इनकी NTA के महानिदेशक का प्रभार अब प्रदीप सिंह खरोला के जिम्मे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, आज होने वाली नीट PG परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई तारीख का ऐलान जल्द करने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। पेपर लीक विवाद के कारण यह फैसला सामने आया है। तो देखिए लगातार इस खबर में डेवलपमेंट हो रहा है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और जो आज नीट PG की परीक्षा होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है। साथ ही खबर यह भी है कि नई तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। तो देखिए पेपर लीक विवाद अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसका असर जो है बाकी एग्जाम्स पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि पेपर लीक कांड की वजह से उनकी परीक्षाएं स्थगित हो रही है, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। और ऐसे में खबर अब ये सामने आ गई कि जो नीट PG परीक्षा होने वाली थी आज वो स्थगित कर दी गई है। तो नीट पेपर लीक मामले में रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक के तार बिहार से होते हुए अब झारखंड तक जुड़ गया है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक के तार झारखंड टू बिहार, पेपर लीक की परत दर परत खुल रही साजिश, बिहार से झारखंड तक एक्शन ताबड़तोड़। नीट पेपर लीक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसकी परतें खुलती जा रही हैं। पेपर लीक के तार बिहार से होते हुए अब झारखंड तक जुड़ गए हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अब झारखंड में कार्रवाई करते हुए देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, जो देवघर में किराए के मकान में छिपकर रह रहे थे। इससे पहले EOU की टीम ने पेपर लीक मामले में बिहार से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 4 नीट अभ्यर्थी हैं।
पटना के शास्त्रीय नगर पेपर लीक मामले में लगातार विभिन्न जगहों से आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी कड़ी में देवघर के देवीपुर स्थित इसी घर से 6 अपराधियों को जो है यहां से देवीपुर पुलिस और ईओयू की टीम जो है देर रात यहां से छापेमारी कर इन 6 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सामने जो शेड दिख रहा है उसी शेड में सभी लोग पार्टी कर रहे थे जिस समय पर यहां पर पुलिस पहुंची थी और यहां से सभी लोगों को उठाकर पुलिस लेकर गई है वापस पटना। बिहार पुलिस की टीम ने हजारीबाग में भी नीट के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों की जांच की है। बताया जा रहा है कि लीक हुए पेपर का सॉल्वर गैंग रांची और हजारीबाग से ऑपरेट कर रहा था। हजारीबाग के एक होटल में परीक्षार्थियों को रखकर जो है क्वेश्चन रटवाए जा रहे थे, उसमें से पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली थी और उसमें जो है ईओयू की टीम जो है उन्होंने भी जो है कई कार्रवाई की थी, 5 लोगों को हिरासत में लिया था। लेकिन बात अभी हम वर्तमान में नीट परीक्षा की कर ले तो जिस तरीके से धांधली का मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग में भी जो है कई तरह के जो छानबीन किए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो इस मामले से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनकी गिरफ्तारी की भी जो है वो संभावना जताई जा रही है। सिकंदर कुमार यादवेंदु नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड के आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंदु की बेटी भी MBBS की पढ़ाई कर चुकी है। आरोपी सिकंदर यादवेंदु का दामाद PG की पढ़ाई कर रहा है। सिकंदर कुमार यादवेंदु पर नीट पेपर लीक कांड में 4 अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने का आरोप है जिसमे भतीजा अनुराग यादव भी शामिल है। अनुराग यादव भी नीट परीक्षा का अभ्यर्थी है। अब जरा जानते हैं पेपर लीक कांड में शामिल संजीव मुखिया और उसके परिवार के बारे में। संजीव मुखिया परीक्षा माफिया है। उसका बेटा डॉक्टर शिव PMCH से MBBS कर चुका है। डॉक्टर शिव कुमार शिक्षक परीक्षा भर्ती लीक पेपर मामले में गिरफ्तार हुआ है। खेमनीचक से प्रभात रंजन के मकान में परीक्षार्थियों को उत्तर रटवाया गया था। प्रभात रंजन की बेटी भी MBBS कर चुकी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और प्रभात रंजन के बीच संबंध के पुलिस को पुख्ता सबूत भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगातार पेपर लीक मामले में कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत देवघर से भी इसके तार जुड़े और जिसमें 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर वापस पटना ले गई है। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। नीट पेपर लीक कांड के बाद सियासत भी तेज है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की PS को लेकर JDU के नेता तंज कस रहे हैं। BJP के नेता RJD को साजिश में शामिल बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच लगातार जारी है। ऐसे में प्रश्न पत्र के लीक होने से जुड़े केस पर सियासत भी खूब हो रही है। JDU के राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी यादव के PS को लेकर चुटकी ली, कहा उनके निजी सहायक का नाम आ रहा है, सब तार उन्हीं के यहाँ से क्यों आ रहा है, इसकी जांच हो रही है। जो मेन एक्यूज है उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए है, तो होगा ही क्या, चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना, ये तो ओपन किए ना, उस सब डिप्टी CM सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे NHI के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया। सत्ता पक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर जवाब तेजस्वी ने भी दिया। तेजस्वी यादव ने कहा आरोप लगाने वाले दूध के धुले हैं क्या, केंद्र और राज्य में सरकार उनकी ही है, पर वे मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। हम लोग पेपर लीक करवाते हैं, ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सर। सच्चाई कौन है, कौन है संजीव मुखिया? अभी सब थोड़े दिन में रुकिए ना भाई, सरकार उनकी है केंद्र से, वो केंद्र सरकार के HRD मिनिस्टर कहते हैं कि लीक हो भी नहीं किया है। अब बताइए पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, वो तो मान ही नहीं रहे लीक। तो वहीं बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने एक बार फिर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि तेजस्वी बताएं कि यादवेंदु प्रीतम अनुराग का उनसे क्या संबंध है, सिकंदर रांची जेल में लालू प्रसाद के सेवादार थे या नहीं। मैं तो दो ही सीधा सवाल किया है कि सिकंदर का आपके परिवार से संबंध है या नहीं,
सेवादार था या नहीं, घर आता जाता था कि नहीं, नगर विकास में उसको आप लाए थे कि नहीं। जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है, आरोपियों पर लगातार शिकंजा भी कसता जा रहा है, पर उतनी ही रफ्तार से नीट पेपर लीक कांड पर सियासत भी बेहिसाब जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देश में हो रहे नीट पेपर लीक विवाद के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय काफी सख्त हो गया है, भविष्य में पेपर लीक की ऐसी कोई घटना ना दोहराई जाए, इसको लेकर सरकार ने कमर कस ली है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा के लिए सुझाव देगी। इसके साथ ही कमेटी से डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सुझाव मांगा गया है। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन होंगे, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा इस कमेटी में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर रामूर्ति समेत कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। सरकार ने इस कमेटी से 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी की यात्रा पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि इस यात्रा के जरिए महंगाई, विकास, युवा और आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा। कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव की यात्रा का स्वागत किया है। इधर बीजेपी ने कहा है कि यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड हार की समीक्षा करेंगे। तेजस्वी यादव जी जो बिहार का दौरा करने जा रहे हैं, वो लोकसभा में अपने प्रचंड हार का समीक्षा करने जा रहे हैं कि किन कुकर्मों के कारण हम जो है लोकसभा में इस तरह से बुरी तरह से हारे हैं, और ये उम्मीद पाल करके रखे थे ज्यादा, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया। वो यात्रा पर निकलेंगे महंगाई के सवाल पर, यात्रा पर निकलेंगे बिहार के सर्वांगीण विकास के सवाल पर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले और 75% आरक्षण की व्यवस्था जो बिहार में महागठबंधन सरकार ने की थी उसको जिस तरह से पिछले दरवाजे से छीनने का प्रयास किया गया। लोगों के बीच जाने से ही लोगों का मन समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग तो एसी में बैठे रहते हैं, इसीलिए वो जन वेदना और जन कल्याणकारी योजना से कोसों दूर हैं। सिर्फ उंगली उठाना है और बात बड़गलाना है। देख लीजिए नीट में कैसे भारी भरकम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं के कान में जू तक नहीं रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी प्री बजट मीटिंग में शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने मीटिंग के बाद कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री से बजट में बिहार को एयरपोर्ट, हाईवे, पीएम आवास योजना के लिए विशेष आग्रह किया। बिहार को मनरेगा में पैसे मिले इसके लिए भी अपील की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में 4 एयरपोर्ट स्वीकृत हैं और हम बिहार में 5 और एयरपोर्ट चाहते हैं। बिहार के सभी प्रमंडल में एक एक एयरपोर्ट का निर्माण हो। वित्त मंत्री जी से आग्रह किया है कि बिहार को बजट में जो एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका वन नेशन वन टैरिफ, इन सारे चीज़ों के लिए उनसे आग्रह किया। विशेष तौर पर मनरेगा वगैरह का पैसा जो है हमको मिले, तो पूर्ण रूप से भारत के विकास में बिहार का एक बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोगों ने बजट में ये चाहा है कि उड़ान योजना के माध्यम से बिहार में कई एयरपोर्ट्स उन्होंने बनाने के निर्देश दिए हैं। 4 हमारे स्वीकृत किए हैं, हम 5 और चाहते हैं कि बिहार में सभी जगह, सभी प्रमंडलों में एक एक एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाए।